समय ही बता देगा सबको, समय बलवान रहता है, समय बता देगा कि बापूजी निर्दोष है। अपने आरोप में कोई भी सच्चाई नहीं है, सब झूठे आरोप लगाए बापूजी के ऊपर। जो भारत को विश्व गुरु बनाना चाहे हमारे गुरु, तो उनको नहीं लगता है कि भारत विश्व गुरु बन जाए, वही लोग ऐसा षड्यंत्र रचा रहे। यही सरकार से हमारी मांग है कि बापू को जल्द से जल्द रिहा करो। इन्होंने यही बताया कि बापू ने हमें हिंदू संस्कृति क्या है, हिंदू धर्म क्या है, उसके बारे में हमको बताया और बोले आरोपों में कोई सच्चाई नहीं। आज भी ये भक्त आसाराम जी बापू को निर्दोष मानते। मैं आलंदी से हूँ, आलंदी से रहने वाला हूँ, यहाँ का साधक हूँ बापू जी का। कितने सालों से जुड़े हैं बापू से? बापू जी सालों से दीक्षा लिए, वही 20 साल हो गए मेरे को। जो बापू पे जो आरोप लग रहे हैं, बापू को आजीवन कारावास की सजा हो गई, उसके बारे में क्या कहोगे? वो जो आरोप लगा है पूरे गलत आरोप लगाया है। समय ही बता देगा सबको, समय बलवान रहता है, समय बता देगा कि बापू जी निर्दोष है और सबके सामने सच आ जाएगा। सब बापू से नहीं जुड़े थे, उसके पहले जीवन कैसा था? बापू से जुड़ने के बाद जीवन में क्या परिवर्तन आया? बापू जी की दीक्षा लेने के बाद मेरे जीवन में जो उपदेश दिया है बापू जी ने, उसके हिसाब से जो हमारी संस्कृति है उसके बारे में ज्यादा पता चला हमको कि कैसा जीवन जीना चाहिए। आज रिश्तेदार नातेदार में जाते हो, संकोच नहीं होता कि हम आसाराम जी बापू के शिष्य हैं? नहीं होता। आज भी जिस लोग मुझे पूछते हैं कि आप बापू जी आश्रम में जाते हो, तो वो ही लोग पूछते हैं कि क्या हो, क्या केस का कब तक चल रहा है, कैसा चल रहा है। हम बोले समय बताएगा, अभी चालू है, जब बापू हमारे निर्दोष है वो जल्दी छूट आएंगे। मतलब आरोपों में कोई सच्चाई नहीं? नहीं, आरोप में कोई भी सच्चाई नहीं है, सब झूठे आरोप लगाए बापूजी के ऊपर। लोगों का तो ऐसा कहना है कि आश्रम में गलत काम होते हैं, तो उन लोगों को क्या कहना चाहोगे 20 सालों से बापू से जुड़े हो? हाँ, मैं तो उनको यही कहना चाहूंगा कि आप खुद आ जाओ, देख लो आश्रम में क्या क्या काम चल रहा है। बाल संस्कार का व्रत चलता है, पूर्णिमा व्रत चलता है, एकादशी व्रत चलता है, सब हमारी जो भारतीय संस्कृति है जो वैसे उसके बारे में वहाँ सिखाई जाता है वही है। उस खुद आयो और बोल, किसी को सुनने से मात्र नहीं चलता है, सब खुद आके देख लो ना क्या चल रहा है यहाँ पे। कौन फंसाएगा बापू से? 20 सालों से जुड़े हो, कौन षड्यंत्र करेगा बापू पे? अभी जो जिनको पसंद नहीं है भारतीय संस्कृति के बारे में कि भारत आगे ना जा चाहे, अपने जो भारत को विश्व गुरु बनाना चाहे हमारे गुरु, तो उनको नहीं लगता है कि भारत विश्व गुरु बन जाए, वही लोग ऐसा षड्यंत्र रचा रहे। यही सरकार से हमारी मांग है कि बापू को जल्द से जल्द रिहा करो। आपने देखा है भाई, 20 सालों से संत आसाराम जी बापू से जुड़े हैं। इन्होंने यही बताया कि बापू ने हमें हिंदू संस्कृति क्या है, हिंदू धर्म क्या है, उसके बारे में हमको बताया और बोले आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। आज भी ये भक्त आसाराम जी बापू को निर्दोष मानते हैं और सरकार से ये भक्त लोग एक ही मांग करते हैं कि जल्द से जल्द आसाराम जी बापू को रिहा किया जाए। कैमरामैन रंजन के साथ नीलेश ठक्कर, आलंदी से रफ्तार न्यूज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन पाने के लिए